हेलो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कोमल और मेरे चैनल का नाम है बीके कपड़ा घर। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें और मेरी वीडियो पूरी देखें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक फ्लोर क्लीनर के बारे में जो प्योर होममेड है और जो बहुत ही कम रेट पे घर पे बनाई जा सकती है। उसमें लगने वाली लागत ना के बराबर है। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। उसके लिए हमें एक खाली बॉटल चाहिए, करीबन 1 लीटर पानी जिसमें आ जाए। और कुछ हमें चाहिए, ये मैंने लिया है कपूर। कपूर है, ये कपूर की छोटे छोटे बॉल्स हैं। और इसके अलावा मैंने लिए है कुछ फिटकरी। फिटकरी करीबन बहुत थोड़ी सी फिटकरी है, ये थोड़ी सी फिटकरी है, ये इतनी। और इसके अलावा लेना है आपको आधा कटोरी नमक, इसमें है नमक। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले सिंपल एक टैप वाटर लेना है, अपनी टंकी में से ले सकते हैं आप। ये देखो मैं इसमें ये डाल रही हूँ। इस बॉटल को पूरा नहीं भरना है, इस बॉटल को थोड़ा सा खाली रखना है। ये देखो इस बॉटल को मैंने करीबन इतना खाली रखा है। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले डालनी है ये कपूर। कपूर ये मैंने ये वाली कपूर ली हुई है। आप चाहें तो एक डब्बे में आती हैं, सभी कपूर एक जैसी होती हैं। तो मैंने करीबन ये 20 से 25 बॉल्स हैं, ऐसी कपूर की हैं 20 से 25 बॉल्स। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखें ये मैंने इसमें डाल दी है। और इसमें फिर मैंने डाला ये कपूर जो है, ये आपके घर में मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़ों को दूर करेंगी आने से। और इसके बाद में मैं डाल रही हूँ फिटकरी। फिटकरी मैंने डाली है ये देखिए, ये क्या करेगा आपको, फिटकरी जो है पानी को साफ़ करेगा, पानी बिल्कुल क्लीन रहेगा इससे। और ये भी मक्खी को और मच्छर को दूर करेगा। अब इसके बाद में आपको क्या डालना है, इसके बाद में आपको डालना है नमक। अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ नमक। अब मैंने इसमें पानी में नमक डाल दिया है, पूरा आधा कटोरी था, इसमें मैंने नमक डाल दिया है। और आप चाहें तो इसमें कोई भी डिशवॉश डाल सकते हैं। एक बिल्कुल एक या दो ड्रॉप डालना है इसमें, एक दो ड्रॉप आप इसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होगा ना, फर्श आपका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप डिस्पोज डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप डाला है। और अब प्लीज़ इसको बनाने के बाद ध्यान रखें, इस बॉटल पे आप लेबल लगा के रखें फ्लोर क्लीनर के नाम से, ताकि बच्चों से ये दूर रहें। और इसे बच्चों से दूर रखें, बिल्कुल अलग रखें। और इसमें आप कपूर की बॉल्स जो मैंने डाली हैं इसमें, आप चाहें तो ये वाली कपूर की बॉल्स जो मैंने डाली हैं इसमें, इस तरीके की बॉल्स आती है, मैं दिखाती हूँ। ये पैकेट आता है, इसमें 8 से 10 बॉल्स होती हैं। आप चाहें तो इसको पीस करके भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें ऐसे ही डाली हैं। वो आपकी आपकी मर्जी, आप पीस के डालें हैं कैसे भी। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें डालनी हैं, एक डालनी है आपको कपूर की बॉल्स और फिटकरी थोड़ी सी और आधा कटोरी नमक। ठीक है, अब इसको मैं ढक्कन बंद कर देती हूँ और थोड़ा सा हिला लेती हूँ। ये मैंने हिला लिया इसको। और अब क्या करना है आपको, इसको पूरी रात रखना है ऐसे ही, पूरी रात रखना है। ये देखो आप इसमें नमक देख सकते हो, ये सब घुल जाएगा। पूरी रात रखने के बाद में इसे आप अगले दिन से यूज कर सकते हो। और यूज कितना करना है, आप पोछे वाली बाल्टी में आप इसको ये वाला ढक्कन 2 से 3 ढक्कन आप उसमें डालिए बस। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 ढक्कन आप डाल सकते हो। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अब जैसे मच्छरों का मौसम शुरू होने वाला है, ये घर में मच्छरों से भी दूर रखेगा। और कपूर के तो वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और नमक, नमक अगर हम पोछे में पोछे के साथ में लगाते हैं, पोछे के पानी में डालकर, तो वो नेगेटिव वाइब्स को भी घर से दूर रखता है। इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं, एक बार आप इसे यूज करके देखिए। मैं खुद यूज कर रही हूँ, बस आपको इसको एक रात रखना होगा ऐसे, और फिर आपका ये फ्लोर क्लीनर बनके तैयार हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। और मैं इस तरीके की वीडियोज़ आपको और बताती रहूँगी। थैंक यू।